इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करने के लाखों चार्ज करती हैं अक्षरा सिंह। एक्ट्रेस आज मना रही हैं अपना 32वां जन्मदिन। भोजपुरी जगत की धाकड़ एक्ट्रेस अक्षरा सिंह आज अपना 32वां जन्मदिन मना रही हैं। अक्षरा सिंह का जन्म साल 1991 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और आज देखते ही देखते अक्षरा सिंह भोजपुरी जगत का सबसे चमकता सितारा बन गई हैं। अक्षरा की भोजपुरी क्षेत्रों में खासकर यूपी से लेकर बिहार तक में बेजोड़ लोकप्रियता देखने को मिलती है, तो सोशल मीडिया पर भी अक्षरा ने बवाल काट रखा है। इंस्टाग्राम पर अक्षरा को 6.6 मिलियन से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। तो चलिए आज भोजपुरी क्वीन के जन्मदिन के मौके पर आपको बताते हैं अक्षरा की ज़िंदगी से जुड़ी 5 अहम बातें। पवन सिंह ने नहीं, इस सुपरस्टार ने दिया था पहला ब्रेक। अक्षरा सिंह के बारे में बहुत लोगों को लगता है कि उन्होंने अपना करियर पावर स्टार पवन सिंह के साथ शुरू किया, लेकिन आपको बता दें कि अभिनेत्री साल 2010 में फिल्म सत्यमेव जयते में सुपरस्टार रवि किशन के साथ अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। इसके बाद सत्या, माँ तुझे सलाम, तबादला जैसी एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी बेजोड़ अदाकारी के दम पर अक्षरा ने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाई। टीवी इंडस्ट्री में बिखेर चुकी हैं जलवा अक्षरा सिंह। हिंदी टीवी सीरियल्स में भी अपना जलवा बिखेर चुकी हैं। एक्ट्रेस पहली बार हिंदी टेलीविजन पर 2015 में जी टीवी पर काला टीका और सर्विस वाली बहू में दिखाई दी थी। इसके बाद अक्षरा ने भारतीय ऐतिहासिक महाकाव्य सूर्य पुत्र कर्ण में गांधारी की भूमिका निभाई और सोनी टीवी पर ऐतिहासिक शो पोरस के लिए कदिका की भूमिका निभाई। पवन सिंह ने दिया धोखा। अक्षरा सिंह ने कई सालों तक पावर स्टार पवन सिंह को डेट किया, लेकिन इनका रिश्ता बहुत ही गंदे नोट टूटा जिसके चिथड़े पूरी इंडस्ट्री में उड़े। कहा जाता है कि पवन अक्षरा सिंह को धोखा दिया और किसी और से शादी रचा ली। अक्षरा सिंह ने भी पवन सिंह पर मारपीट और जान से मरवाने की धमकी देने तक के आरोप लगाए।